Jai Jawan! 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 J
इंकलाब है कि मैं भारत माता का रोल कर रही हूँ काशी विद्यापीठ के मतलब यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब बहुत मुझे गौरवान्वित लग रहा है कि मतलब मुझे चुना गया इस रोल के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को अपने कॉलेज में यहाँ पे आके, आज हम लोग रैली निकालने निकल चुकी है हम लोग की, बहुत मजा इंजॉय हम लोग कर एक हफ्ते से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पे प्रतियोगिता भी हो रही थी, रंगोली कंपटीशन, स्पोर्ट प्रतियोगिता, हर प्रतियोगिता में हम लोग सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है और यहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा लग रहा है हम लोग को, 100 साल पूरा हो गया हमारे कॉलेज को, इस खुशी में इतना फंक्शन हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारे टीचर्स हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। क्या किया है आज? रैली निकला है, हम लोग डांस किए, सारे लोग ड्रेस कोड में हैं, NSS वाले बच्चे व्हाइट एंड ब्लू, हम लोग येलो पहन के आए हैं सपोर्टर बन के, और अभी रैली निकलेगी, मानविकी तक जाएगी, वहाँ फंक्शन है, अवार्ड फंक्शन है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है और जितने भी शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनके लिए आज से बड़ा ऐतिहासिक दिन और इस तरह से कहिए कि स्पिरिचुअल दिन कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब उन्हीं के आराध्य हैं और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण सारे लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना का हिंदी तिथि के अनुसार आज 100वां वर्ष है, अंग्रेजी के अनुसार 10 फरवरी था, आज 16 फरवरी है बसंत पंचमी के दिन। मैं तो सब आप सबको बसंत पंचमी की शुभकामना देता हूं तथा आज हम लोग झांकी के द्वारा 100 वर्षों में विद्यापीठ में क्या हुआ है इसकी एक झांकी दे रहे हैं। हर संकाय की अपनी अपनी झांकी है और ख़ास करके सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो ये है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो मानचित्र पूरे भारतवर्ष में 1919 वाले प्रोग्राम में दिखाया गया राजपथ से, वो झांकी पहले आएगी और उसके बाद से फिर बाकी विभागों के आएंगे। आज एक सुखद संयोग है कि इसी के साथ साथ सुहेल देव जी महाराज की भी जयंती है, उसको भी NSS के द्वारा हम लोग जो है इस झांकी में इंक्लूड किए हैं, रखे हैं, जिससे कि जिस भावना के साथ इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई थी उसमें सुहेल देव जी से जो हमारे तीर्थंकर हैं, जो हमारे समाज सेवी हैं, समाज सुधारक हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको भी नमन करते हैं हम लोग 100 वर्ष के लिए। आज हम लोग सारे लोग गौरवान्वित भी हैं, खुश भी हैं, लेकिन नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना है। ये हमारा आज का संदेश यही है कि सब लोग जो है सबके प्रति संवेदनशील रहें, वो प्रकृति हो या व्यक्ति हो या समाज हो या राष्ट्र हो, थोड़ी सी समझें। कोरोना क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल से अब थोड़ी सी निजात और लोगों के मन में एक विश्वास जगा है, तो कोरोना में भी क्या क्या हम लोगों ने किया और किस तरह से सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए उसकी भी झांकी है, पर्यावरण से संबंधित भी झांकी है कि पर्यावरण के प्रति कैसे सजग रहे हम। इसी तरह से NCC के छात्रों के द्वारा भी एक मार्च पास है जो कि विद्यापीठ का ध्वज लेकर के आगे आगे रहेंगे और इस तरह से आज हम लोग यहाँ से निकल करके मुख्य द्वार से अंदर होते हुए एक बार पुनः जहाँ पर आज पूजन हुआ है वहाँ पर एकत्रित होंगे और शाम का जो कार्यक्रम है उसमें झांकियाँ लगी रहेंगी लोगों का। हर एक संकाय से है करीब हमारे 15 झांकी होगी, क्योंकि NSS की भी है, NCC की भी है, विज्ञान संकाय की भी है, वाणिज्य के भी है, गंगापुर NTPC की भी झांकी है, तो हर जगह की झांकी आई हुई है। इवन कई विभागों ने अपनी झांकी निकाली है, जैसे आपने देखा होगा मनोविज्ञान है, राजनीतिक विभाग, तो झांकियों की संख्या ऐसे देखेंगे तो पूर्णतः सबको यदि मैं कर लूँ तो करीब करीब 20 के ऊपर झांकियाँ हैं, 27 है टोटल और इसमें जी बहुत बहुत